हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 141, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 26 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 8 द लिटिल बुली स्टोरी से लिया गया है। तो स्टोरी को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो ये चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इन द स्टोरी द लिटिल बुली हरीज बैड बिहेवियर मेक्स हिम अ फ्रेंडलेस चाइल्ड विच मीन्स ही हैज नो फ्रेंड्स। बच्चों, द लिटिल बुली स्टोरी में हमने देखा था कि जो हरी का बैड बिहेवियर यानी कि जो उसका बुरा व्यवहार था, उसकी वजह से वो एक फ्रेंडलेस चाइल्ड हो गया था, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। फ्रेंडलेस का मतलब जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो। ठीक है, सो लेट्स एड लेस टू वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उनके आगे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स आपको यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो आपको इन वर्ड्स में लेस लगाना है और न्यू वर्ड बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है जॉन इज अ डैश बॉय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फियर, तो हम फियर में क्या लगाएंगे, लेस को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा फियर लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं F E A R फियर L E डबल S लेस फियरलेस। तो बच्चों, फियर का मतलब होता है डर और फियरलेस का मतलब होता है जॉन इज अ फियरलेस बॉय। तो जॉन क्या है, एक ऐसा लड़का है जो कि डरता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुस्कान इज वेरी डैश अबाउट हर थिंग्स। तो मुस्कान जो है वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत डैश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है केयर, तो केयर के साथ में हम क्या लगाएंगे, लेस लगाएंगे और एक न्यू वर्ड बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा केयर सी ए आर ई केयर लेस एल ई डबल एस, यानी कि जो मुस्कान है वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट देखिए, अयान फाउंड हिज पुडिंग डैश। तो यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट, तो टेस्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे बच्चों, लेस, तो ये बन जाएगा टेस्ट लेस टी ए एस टी ई एल ई डबल एस टेस्टलेस। ठीक है, तो टेस्टलेस का क्या मतलब है, स्वादहीन, यानी कि जब आयान ने अपना पुडिंग खाया तो उसने देखा कि वो तो टेस्टलेस था, यानी कि उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं था। अगला देखिए, मिस्टर सोहन इज फीलिंग डैश। तो मिस्टर सोहन कैसा फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट, तो हमें रेस्ट के साथ में लेस ऐड करना है, तो ये बन जाएगा रेस्टलेस आर ई एस टी रेस्ट L E डबल S लेस रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है लिटिल पपीज आर सो डैश। लिटिल पपीज कैसे हैं, हेल्प आपको यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो इसके आगे आप क्या ऐड करेंगे, लेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हेल्पलेस, तो आप उसे यहाँ पर लिख देंगे, तो लिटिल पपीज कैसे हैं, हेल्पलेस हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। तो बच्चों, आपने देखा था कि स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जो लॉबस्टर्स और जो क्रैब्स होते हैं वो हरी को तब तक पिंच करते रहते हैं जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो जाता। सो हेयर ब्लैक एंड ब्लू इज एन idiom एंड इट मीन्स दैट ही वॉज बैडली bruised। तो बच्चों, यहाँ पर जो ब्लैक एंड ब्लू है ये क्या है, ये एक idiom है, यानी कि एक मुहावरा है,
और idiom के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो लिखा होता है ना, यानी कि ये जो लिखे हुए words हैं उनका meaning ना दे करके एक special meaning देते हैं। तो अगर मैं black and blue का एक simple meaning समझूँ तो इसका मतलब है काला और नीला, लेकिन यहाँ पर जो black and blue का special meaning है वो ये है कि तब तक उसको वो पिंच करते रहे जब तक कि वो बैडली इंजर्ड नहीं हो गया, यानी कि उसको बहुत गहरी चोट नहीं लग गई। ठीक है, सो लेट्स लर्न टू मोर idioms रिलेटेड टू दीज कलर्स। तो चलिए अब हम इन कलर्स से रिलेटेड दो और idioms को पढ़ेंगे। तो पहला है ब्लैक शीप। क्या है? ब्लैक शीप। तो अब इसका अगर मैं सिंपल मीनिंग सोचूं तो इसका मतलब होता है काली भेड़। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जो idioms होते हैं वो किसी स्पेशल मीनिंग को बताते हैं, तो ब्लैक शीप का मतलब होता है एन ऑड और डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। यानी कि ऑड एंड डिसरेप्यूटेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि उस पूरे ग्रुप से अलग होता है। या फिर इसमें हम एक फैमिली को भी ले सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बिल्कुल अलग सोचता है, जो कि सबसे अलग है। तो यहाँ पर बच्चों डिसरेप्यूटेबल का मतलब है कि जो थोड़ा कम सम्मान, मतलब जिसको थोड़ा कम सम्मान मिलता है, इस तरह का व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इससे सेंटेंस भी बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है, ही इज़ अ ब्लैक शीप इन आर ग्रुप। वह हमारे ग्रुप का ब्लैक शीप है। तो हम कह सकते हैं कि वह हमारे ग्रुप का ब्लैक शीप है, क्योंकि जिस बात के लिए भी हम एग्री करते हैं वो उसके लिए डिसएग्री करता है। जो भी बात हम कहते हैं कि ये सही है, वो कहता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। या फिर ग्रुप के बीच में जो भी सीक्रेट है वो जाकर किसी और को बता देता है। तो वो काइंड ऑफ क्या हो गया कि हमारे ग्रुप में डिसरेप्यूटेबल हो गया, यानी कि हमारे ग्रुप में उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, बच्चों इसका स्पेशल मीनिंग है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। ऐसा कुछ जो कि बहुत मुश्किल से होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर इसका सेंटेंस बनाया है, वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहर खाने के लिए बहुत कम जाते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि बहुत रेयरली ही जाते हैं, बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ लेट्स फ्रेम एंड राइट वन सेंटेंस यूजिंग ईच idiom। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया है। सी, शीतल वॉज क्वाइटली ईटिंग हर लंच। तो शीतल अपना लंच कैसे खा रही थी? क्वाइटली। ठीक है, ईटिंग मतलब खाना। इसी तरह से सडनली हरी केम एंड पिंच्ड हर, और तभी क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक से, हरी वहाँ पर आया, केम का मतलब आया, और उसने उसे पिंच किया। ठीक है, शी क्राइड आउट लाउडली, तो वो कैसे रोई? बहुत तेज रोई। लाउडली का मतलब बहुत तेज, और क्राइड का मतलब रोना या चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट है एंड क्विकली वेंट टू टेल हर टीचर, और क्विकली का मतलब है जल्दी से, वेंट का मतलब है जाना, तो वो जल्दी से अपनी टीचर के पास बताने के लिए चली गई। So the words quietly, suddenly, loudly and quickly tell us how an action is being done. बच्चों यहाँ पर जो ये words हैं quietly, suddenly, loudly and quickly, ये सब हमें बता रहे हैं कि कोई action किस तरह से हुआ है। जैसे कि quietly eating, तो eating क्या है? एक action है, मतलब खाना। खाना क्या है? एक काम है। तो किस तरह से खा रही थी? एकदम क्वाइटली। इसी तरह से हरी का आना, केम का मतलब है आना। ठीक है, तो यहाँ पर केम क्या हो गया? एक्शन हो गया, काम हो गया। तो वो किस तरह से आया? सडनली, यानी अचानक से आया। इसी तरह से शी क्राइड लाउडली, तो क्राइड मतलब रोना या चिल्लाना, तो ये भी क्या है? एक एक्शन है। तो किस तरह से वो रोई? लाउडली, यानी कि तेज। ओके, इसी तरह से एंड क्विकली वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, तो ये भी एक एक्शन है। तो वो कैसे गई? क्विकली गई, यानी कि बहुत जल्दी गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोई एक्शन हो रहा है। नाउ लेट्स एड एल वाई टू दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। तो चलिए बच्चों अब हमें यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इन वर्ड्स के साथ में एल वाई को ऐड करना है और उसके बाद उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पर ब्राइट। क्या है? ब्राइट। तो ब्राइट में हमने एल वाई को ऐड किया तो ये बन गया ब्राइटली।
क्या बन गया? ब्राइटली। तो चलिए अब इससे सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस हमने बनाया है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज कैसे चमक रहा है? एकदम ब्राइटली चमक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लो। क्या है? स्लो। तो चलिए अब हम इसमें एल वाई को ऐड करते हैं, तो ये बनेगा एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, स्लोली। ये क्या बना बच्चों? स्लोली। और इससे मैंने सेंटेंस बनाया है, मीरा इज वॉकिंग स्लोली। मीरा कैसे चल रही है? स्लोली चल रही है, यानी कि धीरे से चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट। क्या है? सॉफ्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस ओ एफ टी, सॉफ्ट, और इसके साथ में हम एल वाई को ऐड कर देंगे, तो ये बन गया सॉफ्टली। सो शी स्पीक्स सॉफ्टली। वह बहुत ही मुलायम बोलती है, यानी कि बहुत ही प्यार से बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट है केयरफुल। क्या है? केयरफुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? केयरफुल में एल वाई को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा केयरफुली, ठीक है। और सेंटेंस हमने बनाया है इससे, यू शुड कलर केयरफुली। तुम्हें इसमें बहुत ध्यान से कलर करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।